जो मेरा सवाल है कि उसमें पैसा लगाने के लिए मिड कैप में स्मॉल कैप में किस तरह से आपकी नज़र है? वहाँ पर अगर आप अपनी छटाई कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है, तो वो छटाई अपनी सिलेक्शन अपनी फिल्टरिंग कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं सहमत हूँ उनकी बात से, विजय मदिर बात से। मैं थोड़ा तीन डेटा पॉइंट्स को देखता हूँ। एक अक्टूबर 21 का पीक जो उन्होंने कहा, दूसरा मैं मार्च 20 का लो भी लेता हूँ, और तीसरा मैं दिसंबर 17 का पीक भी लेता हूँ। तो तीन डेटा पॉइंट, क्योंकि एक दिसंबर 17 का जो प्रीवियस पीक था मार्केट में, उसके बाद एक स्लोडाउन आई, फिर देन भयंकर झटका आया मार्च में कोविड के कारण, मार्च 2020 में। तो 2017 की दिसंबर की वैल्यू, 2020 मार्च की वैल्यू और अक्टूबर 21, तीनों को कंपैरिजन में ले देना, तो मैं कहूंगा कि आज मेरे को एक स्मॉल कैप में अभी भी एक डिस्काउंट टू लार्ज कैप बहुत जबरदस्त दिख रही है। बट स्मॉल कैप में क्या होता है कि एक स्टॉक सिलेक्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है। क्योंकि आपको पता है ना, सेबी ने जो नियम डाला है कि फर्स्ट 100 स्टॉक्स को लार्ज कैप माना जाता है और फिर 150 स्टॉक्स को मिड कैप माना जाता है। तो करीबन 250 स्टॉक के बाद जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं, वो सब आपको स्मॉल कैप में आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए स्मॉल कैप में है, क्योंकि एक वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट टू निफ्टी में चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अब वक्त है, एक वर्ल्ड जो स्लोडाउन में जा रही है, रिसेशन जबरदस्त सामने भी आ रही है, उस स्थिति में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंटरनेशनल ओरिएंटेड कंपनीज की हालत उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनली डिमांड कम हो रहा है। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो कंपनीज है, नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो इंडियन कैपेक्स साइकिल, क्योंकि कैपेक्स साइकिल इंडिया में गवर्नमेंट की एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश है, दूसरा पीएलआई के जो China+1 का जो एक ग्रोथ बन रहा है पीएलआई स्कीम के थ्री, आप देखिए हर रोज अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं एप्पल से, सैमसंग से, यू नो सेमीकंडक्टर पे, ऐसी चीजों पे, तो उसके कारण जो कैपेक्स बन रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डोमेस्टिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब 75-76% पार कर चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक फीलिंग अभी जबरदस्त बढ़ रही है कि कैपेसिटी शायद 2 साल के बाद हमें कमी पड़ेगी, तो अभी मेरे को फ्रेश कैपेक्स की जरूरत है, तो वो कैपेक्स की साइकिल भी शुरू होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो ये कैपेक्स साइकिल को सप्लाई करने वाले ज्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप और स्मॉलर मिड कैप कंपनीज ही सप्लायर्स हैं, तो मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी स्पेस उधर है स्मॉल कैप क्षेत्र में। और इधर एक्टिव मैनेजमेंट का, क्योंकि पैसिव स्मॉल कैप इंडेक्स को खरीदने से एक्टिव मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक हाथ में देख रहा हूं, तो उस हालत में आज मैं एक अलोकेशन के तौर पर अगर देखूं, मैं कहूंगा कि 50-30-20, 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप आप रखेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप का 20 भी बहुत ज्यादा होता है, एज अ नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा होंगे, तो ऐसे एलोकेशन आज बहुत आपको अच्छी रिटर्न्स दिलवा सकती है। मगर ओवरऑल एक डोमेस्टिक ओरिएंटेशन का एक एक फ्लेवर आपको लगाना है पोर्टफोलियो के।